राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको देखो ये छोटा छोटा डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। आप इसको बच्चे के कार्डिगन में भी डाल सकते हो, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, टॉप में, कहीं भी डाल सकते हो। एक डिजाइन ये दो फंदे का है और चार सिलाई का है। बॉर्डर बना के जो हमने पहली सिलाई में शुरू किया था, अब पहली सिलाई से ही बना के दिखा रही हूँ आपको। अब मैं पहली सिलाई से बना के दिखा रही हूँ आपको। पहले एक फंदा ये स्लिप कर लो, कोने वाला, ये डिजाइन से अलग है। उल्टा बनाओ, सीधा बनाओ, अपने हिसाब से कर लेना। फिर पीछे धागा करके दो फंदे, एक दो, दो फंदे सीधे बना लेंगे। फिर जो दूसरा फंदा है ये वाला फंदा है जो, इसके नीचे से ये वाला फंदा ऐसे उठा लेंगे, ऐसे उठा के यूं रख लेंगे। फिर आगे फिर एक दो, दो फंदे उल्टे बना, सीधे बना लेंगे। फिर एक फंदा ये ऐसे रख लेंगे यूं। अब ये तीन फंदे हो गए। एक फंदा जो ये नीचे से उठा के बगैर बनाए रख रहे हैं, इसको हम उल्टी सिलाई में घटा देंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक दो, फिर एक फंदा ये ऐसे रख लेंगे। अब ये जो सीधी सिलाई है बॉर्डर बना के, पहले हमने एक सिलाई उल्टी साइड से सीधी बनाएंगे। जैसे ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से एक सिलाई हम सीधी बना देंगे। ये हमारी सीधी साइड है, जैसे ये उल्टी आएगी, एक सिलाई बना लेंगे पहले बॉर्डर बना के, उल्टी साइड से सीधी बना देंगे। फिर दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा ये नीचे से उठा के ऐसे रख लेंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा ऐसे रख लेंगे, एक दो, फिर एक फंदा नीचे से यूं रख लेंगे। फिर एक दो, फिर एक फंदा नीचे से रख लेंगे। दो ही फंदे का डिजाइन है, बस यही दो फंदे बार बार बना रहे हैं हम, इन्हीं फंदों को बार बार बना रहे हैं। एक दो, फिर एक फंदा ये नीचे से उठा के ऐसे रख लेंगे, एक दो, फिर एक फंदा ऐसे रख लेंगे, एक दो, फिर एक फंदे को नीचे से उठा के ऐसे रख लेंगे, फिर एक दो, एक फंदे को ऐसे रख लेंगे, एक दो, फिर एक फंदा नीचे से उठा के ऐसे रख लेंगे। एक फंदा ये डिजाइन से अलग था, इस तरफ हमारा एक फंदा डिजाइन से अलग है, ये भी ऐसे बना लिया। अब आगे दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई, अब आगे दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई। दूसरी सिलाई में हमें एक फंदा ये उल्टा था जो, एक फंदा डिजाइन से अलग था, ये उल्टा बना लिया हमने। फिर पीछे धागा करके जो ये दो फंदे दिखाई दे रहे हैं, दो का एक कर देंगे। ये धागा हमने नीचे से उठा के रखा था, वो है। फिर ये दो का एक कर देंगे। फिर आगे एक फंदा सीधा, एक फंदा दो का एक कर दिया, फिर एक फंदा सीधा। अब उल्टी सिलाई में भी हमें सीधी बनाएंगे सारी, दोनों सिलाई हमने सीधे फंदे बनाने, दोनों सिलाई में। जैसे ये उल्टी साइड है बॉर्डर बना के, उल्टी साइड से हमने इस तरह सिलाई सीधी बनानी है। उल्टी साइड से सीधी सिलाई बना लेंगे हम, एक सिलाई वो सिलाई हम एक ही बार बनाएंगे। फिर ये देखो दिखाई दे रहा है, ये फंदा हमने नीचे से उठा के रखा था, ये दो का एक, फिर एक फंदा ऐसे सीधा कर दिया। अब यही दो फंदे बना रहे हैं बार बार, दो का एक, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो का एक, फिर एक फंदा सीधा, दो का एक, फिर एक फंदा सीधा। अब ये दूसरी सिलाई को, पूरी सिलाई को इस तरह उतार लेंगे, दो का एक, एक फंदा सीधा हो गया। फिर दो का एक है, ये भी हम सीधा बना रहे हैं, फिर एक फंदा सीधा, दो का एक, फिर एक फंदा सीधा, दो का एक, एक फंदा सीधा, दो का एक, एक फंदा सीधा, दो का एक, एक फंदा सीधा।
फिर दो का एक, एक फंदा सीधा, फिर दो का एक, एक फंदा सीधा, कोने वाला भी ऐसे सीधा बना देंगे। अब ये दो सिलाई हो गई, अब आ गई तीसरी सिलाई, सीधी सिलाई। अब बनाएंगे यही डिजाइन हम थोड़ा हाँ पलट के बनाएंगे। पहले हमने एक फंदा ये उल्टा बनाया था, कोने वाला ये डिजाइन से अलग है। फिर आगे दो फंदे सीधे बना के, ऐसे दो फंदे सीधे बना के फिर नीचे से फंदा उठाया था ऐसे। अब की बार हम इस तरह नहीं बनाएंगे, अब की बार हम एक फंदा सीधा बना के ये नीचे वाला फंदा इस तरह उठा लेंगे। फिर आगे सारे फंदे दो दो बनाएंगे, कोने पे एक फंदा बना के फिर नीचे से उठा के फंदा रख लिया। एक बार एक फंदा बना के रखेंगे ये फंदा, एक बार दो फंदे बना के फिर रखेंगे। अब ये तीसरी सिलाई है, फिर दो फंदे सीधे, फिर ये नीचे से ऐसे उठा के रख लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर नीचे से ऐसे रख लेंगे, दो फंदे सीधे, फिर नीचे से ऐसे रख लेंगे, दो फंदे सीधे, फिर ये नीचे से फंदा ऐसे उठा के रख लेंगे। बनाया नहीं है ये फंदा, दो फंदे सीधे बना लेंगे, फिर ये नीचे से उठा के रख लेंगे ऐसे, एक दो, दो फंदे सीधे, फिर ये नीचे से उठा के रख लेंगे, फिर एक दो, दो फंदे सीधे, फिर नीचे से उठा के रख लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा नीचे से उठा के रख लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा नीचे से उठा के रख लेंगे, दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा नीचे से उठा के रख लेंगे, एक दो, दो फंदे सीधे। अब ये तीसरी सिलाई, पूरी सिलाई इस तरह उतार लेंगे। अब की बार इस तरफ एक फंदा बच गया, इस तरफ दो फंदे बच गए, एक ये कोने वाला और एक ये। पहली सिलाई में इस तरफ दो फंदे, एक फंदा ये कोने वाला था, फिर दो फंदे बना के फिर रखा था फंदा हमने नीचे से उठा के। अब की बार इस तरफ दो फंदे बच गए। अब आ गई चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब चौथी सिलाई उल्टी साइड है, ये हमारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। अब ये कोने वाला उल्टा बनाओ सीधा बनाओ, ये उल्टा बना के पीछे धागा कर लिया। अब देखो पता चल रहा कौन से दो फंदे हैं, ये हैं दो फंदे, ये हैं दो फंदे, दो का एक करेंगे हम। फिर ये फंदा हम ऐसे सीधा बना लिया, फिर दो का एक, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो का एक, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो का एक। जो दो का एक कर रहे हैं वो फंदा हम घटा रहे हैं जो सीधी सिलाई में हमने नीचे से उठा के रखा था। फिर एक फंदा दो का एक कर दिया, ये एक फंदा सीधा, एक फंदा ये दो का एक कर दिया, एक फंदा सीधा, एक फंदा दो का एक, एक फंदा सीधा। अब ये चौथी सिलाई उल्टी सिलाई पूरी को इस तरह उतार देंगे। अब ये चार सिलाई हमारी पूरी हो गई और एक डिजाइन पूरा हो गया। यही चार सिलाई हम बार बार बनाएंगे, पहली सिलाई से फिर शुरू करेंगे तो ऐसा डिजाइन बनेगा, ये देखो। हाँ जी, मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।